हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस किट का रिव्यू। और ये है जी एक्चुअली एक किट जो कि है कट ऑफ चार्जिंग सर्किट, जो कि 12 वोल्ट बैटरी के लिए यूज़ होता है। समर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से है ये, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पर मिल जाएगा। ये आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं जो घर में आमतौर पर यूज़ होती हैं, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी आपने 12 वोल्ट्स की एप्लीकेशन आपको चाहिए होती है, और जहाँ पर आपने 12 वोल्ट्स की जो बैटरी है, किसी भी तरह की बैटरी होती है, लिथियम आयन हो सकती है, लिथियम पॉलीमर हो सकती है, ड्राई बैटरी, वेट बैटरी, जो भी बैटरी है उसको आप इससे चार्ज कर सकते हैं। इसमें है जी एक रिले, कट ऑफ के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो इसके ऑल कनेक्शंस हैं वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि इसके कनेक्शंस हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार कनेक्शंस हमने इसके किस तरह से करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके कनेक्शंस आप किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट्स प्लस माइनस, तो यहाँ से तो हमें जाहिर होता है कि यहाँ पर हमने इसके लगानी है हमारी 12 वोल्ट्स की बैटरी। इसके अलावा गाइस आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये एसी इन लिखा हुआ है। अब एसी इन का क्या मतलब है, हमने इसको 220 वोल्ट एसी देने हैं या फिर 12 वोल्ट एसी देने हैं या क्या करना है, तो ये सब की सब कन्फ्यूजन्स मैं आपसे इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं तीन हमारे पास स्टेटस LEDs हैं, एक पावर के लिए है जो कि हमेशा ऑन रहती है, इसके अलावा बीच वाली है फुल के लिए, और एक चार्ज के लिए CHRG यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि चार्जिंग जब तक हमारी बैटरी की हो रही होगी ये LED हमारी ऑन रहेगी, और जब चार्ज हो जाएगी तो ये वाली LED ऑन हो जाएगी, यानी कि फुल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है जो कि सेट हम कर सकते हैं हमारी बैटरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये मैं भी अभी आपको आगे वीडियो में चल के बताऊँगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, जैसा कि ये है जी मेरे पास एक ट्रांसफार्मर जो कि है सिंपल ट्रांसफार्मर, और एक ये मैंने एक पावर सप्लाई बनाई हुई है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पर ये सिंपल सी एक पावर सप्लाई मैंने वहाँ पर बनाई भी है, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाई। इसमें सिंपल एक डायोड यूज़ किया गया है 1N4007, और इसके अलावा एक ये कैपेसिटर यूज़ किया गया है जो कि 1000 UF 25 वोल्ट्स का है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसको मैं इसके साथ यूज़ करूँगा। और ये मेरे पास है जी 12 वोल्ट्स की बैटरी, ये मैंने एक्चुअली 318650 सेल्स को जो है वो सीरीज़ में लगाया, और यहाँ से हमें अराउंड 12 वोल्ट्स जो आउटपुट है वो मिल जाती है, ठीक है जी। इन तीन चीज़ों का यूज़ करके मैं एक पूरे का पूरा एक प्रॉपर कट ऑफ सर्किट बनाऊँगा, कट ऑफ सिस्टम बनाऊँगा, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारी सप्लाई है ये चार्ज करेगी हमारे इस बैटरी को, ठीक है, बैटरी बैंक को, पावर जो हमारा है 12 वोल्ट्स का, और इससे हम इसको इसकी जो चार्जिंग है उसको हम रेगुलेट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को तो मैं रख देता हूँ साइड पर, ठीक है जी, इसको मैंने साइड पर रख दिया। और ये हैं जी हमारी दो चीज़ें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है प्लस माइनस 12 वोल्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं प्लस माइनस 12 वोल्ट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सिंपली मैंने क्या करना है कि हमारी जो बैटरी है ना, इसको मैंने इन दोनों पॉइंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेना है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसको वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि भाई साहब हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, ठीक है, नेगेटिव वाली साइड पर। पोलैरिटी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो एट द एंड क्या होगा कि ये जो किट है ये ख़राब हो जाएगी, इसके अंदर जो IC लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ जी हमारी नेगेटिव वाली वायर, और जैसे मैं पॉजिटिव वायर लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारी LED जो है वो ऑन हो जाएगी, मतलब कि हमारी जो किट है वो ऑन हो जाएगी। आप जैसा कि अभी भी देख रहे हैं रेड वाली जो LED है किट के अंदर ये ग्लो कर गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो किट है वो टर्न ऑन हो चुकी है। इसको भी मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ वायर को, तो ये मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया, ठीक है गाइस। तो किट हमारी इस वक्त ऑन है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास ये दो LEDs ऑन हुई भी हैं, एक तो पावर की LED ऑन हुई भी है और एक चार्ज वाली LED ऑन हुई भी है। तो इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको और कनेक्शंस करके बताता हूँ। अब ये है जी हमारे पास ट्रांसफार्मर, ठीक है, मतलब कि सप्लाई। अब हमने क्या करना है, जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये हमने डायरेक्टली इसके साथ ही अटैच कर देना है, मतलब कि इनको आपस में कॉमन कर देना है,
ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए किया ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव वायर आ रही है हमारी सप्लाई से, इसको मैं हमारे इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ जहाँ पर हमने अभी कनेक्ट किया है हमारी पॉजिटिव सप्लाई को, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ अच्छी तरह से, इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। सोल्डरिंग आपने ज़रा थोड़ी सी ध्यान से करनी है जी। तो गैस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके साथ ये 12 वोल्ट का जो बैटरी है, बैटरी बैंक है, ये भी अटैच कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ट्रांसफार्मर भी हमने अटैच इसके साथ कर दिया। ट्रांसफार्मर इस वक्त ऑन नहीं है और अभी हमारा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर ही आके कुछ लोग हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब हमने कैसे कनेक्शन इसके करने हैं। अगर मैं बोर्ड को सीधा करूँ तो आप ये देख सकते हैं अभी भी हमारे पास पावर की लाइट और इसके अलावा जो चार्जिंग की लाइट है LED है वो ऑन है, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी हमने एक काम करना है, वो ये करना है कि ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं दो AC हमारे पास सप्लाई आ रही है, दो मतलब के वायर्स होती हैं, एक न्यूट्रल होती है और एक कॉमन होती है, सभी को पता होता है। इनमें से मैंने क्या करना है कि एक जो वायर है ना उसको कर देना कट ऑफ बीच में से, ठीक है। उसको मैं बीच में से कट करूँगा पीछे से, ये आपने मेक श्योर करना कि ये ऑफ हो, ठीक है। और ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये मैंने कर दिया इसको डिसकनेक्ट यहाँ से, ठीक है। और ये भी हमारे पास जो है वो दो यहाँ पर वायर्स हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी डिसकनेक्ट किए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो बोर्ड है ना हमारा, इधर हमने इन दोनों को कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करना हमने कहाँ पर है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है AC, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है AC, और ये एक्चुअली एक रिले 12 वोल्ट की यहाँ पर रिले हमें मिलती है। अब इसके कनेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर आप ये दो कनेक्शंस आप देख सकते हैं किट के अंदर, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप इनको कनेक्ट कर लेंगे। आपको पता है कि AC की पोलैरिटी तो कोई होती नहीं है, तो आप कहीं पर भी ये जो दो वायर्स हमने यहाँ पे काटी हैं इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट किस तरह से हम करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वायर जो होगी जो मेंस से आएगी हमारे पास, वो हम इधर अटैच कर देते हैं, लेट सपोज कर तो हम दूसरी साइड पे भी सकते हैं इसको। लेट सपोज मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर इसको अटैच करके मैं कर दूँगा सोल्डर इसको, ठीक है। सिंपली आपने इसको यहाँ पर जो है वो अटैच करके यहाँ पर आपने इसको सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो सोल्डर है वो लगा हुआ है, इजी यहाँ पर सोल्डरिंग हो जाएगी हमारी। तो आपने ये देखा मैंने एक पॉइंट इसको सोल्डर कर दिया। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है जी हमारे इस ट्रांसफार्मर की वायर, तो वो मैं इसको यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे सोल्डर कर दिया। अब हमारे कनेक्शन हो गए गाइस कंप्लीट। ये थोड़ा सा जंबल्ड हो गया, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी हमारे जो कनेक्शन है ना वो सभी हो चुके हैं, और आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे इसके कनेक्शन। अगर आपको नहीं आए तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मैं आपको और इजी तरीके से इसको समझा दूंगा कि आपने कनेक्शंस किस तरह से करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने लगूँ, इसको मेंस के ऊपर कनेक्ट करने लगूँ और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो चार्जिंग है वो होती है और किस तरह से होती है एंड ऑल दैट, और कट ऑफ वगैरह फिर हम इसका चेक करेंगे, ठीक है। ये इसका कट ऑफ का वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है, इसको फिर हम बाद में चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कनेक्ट करता हूँ मेंस के साथ। ये मैंने इसको मेंस के साथ कनेक्ट कर लिया, और आपने देखा जैसे ही मैंने इसको मेंस से कनेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटस जो है ये फुल का शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें इसकी सेटिंग की अभी ज़रूरत है। इसको मैं मेंस से निकालूंगा जब, तो अभी भी ये फुल ही शो कर रहा है, बट नो प्रॉब्लम। इसको हम अभी क्या करते हैं कि इसकी सेटिंग करते हैं। गैस आपने ज़रा केयरफुली रहना, ये जो रिले वाला एरिया है ना यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 220 वोल्ट्स AC आ रहा है, तो यहाँ पर आपने कुछ भी इसको छेड़खानी इसकी नहीं करनी, कोई भी पंगा वगैरह नहीं लेना आपने यहाँ पर। तो अभी हम इसका कट ऑफ सेट करने लगे हैं। अब आपने देखा मैंने थोड़ा सा इसको पीछे किया, अभी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है इसकी, ठीक है। अब मैं अगर मेन्स निकालता हूँ पीछे से तो कुछ भी नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। अब आपने अपनी बैटरी के वोल्ट्स के हिसाब से इसकी जो चार्जिंग है वो, मतलब जो कट ऑफ चार्जिंग है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी होती है।
इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये कट ऑफ हो जाती है, इसको मैं पीछे लेके जाऊँगा तो ये दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं बीच में यहाँ पर रख देता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट पे पहुँचेगी तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा और जो हमारी बैटरी है वो ओवर चार्जिंग से बच जाएगी। गैस अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए इस किट के बारे में तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मैं इसकी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसके कनेक्शन जो है वो समझ आ गए होंगे कि हम किस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।